नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल UK02 पहाड़ी ब्लॉग्स में। आज आपको होम स्टाइल मटर पनीर कैसे बनाते हैं वो आपको बताने वाला हूँ मैं अपने घर पे। ये आधा किलो पनीर है और ये मटर है मेरे, ठीक है। मैंने प्याज काट के रखा है जिसमें गार्लिक भी डाल रखा है मैंने और ग्रीन चिली भी है और साथ में है थोड़ी सी टोमेटो प्यूरी टच के लिए। मुश्किल से दो टमाटर की प्यूरी बनाई है मैंने, तो ये अलग स्टाइल में है थोड़ा, तो आप ज़रूर देखिए और घर पे ट्राई कीजिए आप, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनी है और कैसे बनी है, कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो ओनियन, मटर और टमाटो प्यूरी, और ये हमारा हाफ के जी पनीर। और हाफ के जी पनीर में सिर्फ पनीर के आप ऐसे क्यूब काट सकते हैं, देखिए कितने इतने कट कर सकते हैं आप पनीर के, जितने मतलब आपको सूटेबल हो उतने उतने आप छोटे पीस कर सकते हैं पनीर के। अब हमारे पास हमारा सारा मिज़ा रेडी है जो जो हमको एग्जैक्टली चाहिए पनीर बनाने के लिए। ये मैंने सिल्वर का वॉक चढ़ाया हुआ है, तो मैं आज सिल्वर पे बनाऊंगा और यूज़ करूंगा मैं मस्टर्ड ऑयल। इसमें आप भी मस्टर्ड ऑयल में बनाइए और साथ में एड ऑन हल्का सा मैं घी भी करने वाला हूँ, क्योंकि जो इसमें तड़का लगाऊंगा बाद में ऊपर से वो घी का रहेगा टमाटर के बाद। तो आप देखते रहिए कैसे मैं एक स्मॉल और क्विक रेसिपी बनाता हूँ आप लोग के सामने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, मटर पनीर की रेसिपी। सबसे पहले वॉक गर्म हो चुका है, उसमें डालेंगे हम करीब करीब 3-4 स्पून मस्टर्ड ऑयल। जब तक हमारा तेल गर्म होता है तब तक इसमें हम इंग्रेडिएंट्स जो हमारे मसाले में है, वो मसाले में सबसे पहले डलेगा जीरा और कुछ नहीं डालेंगे हम। थोड़ा सा हम चाहें तो इसमें अपने खड़े मसाले डाल सकते हैं जिनको हम दालचीनी, ग्रीन इलायची, ब्लैक कार्डमम ये सब बोलते हैं। उसमें सिनेमन स्टिक भी होता है, तेज पत्ता भी होता है। तो इसमें सिर्फ दो चीज डाल रहा हूँ खड़े मसाले में, एक ग्रीन कार्डमम और एक ब्लैक कार्डमम और कुछ। तो शुरू करते हैं, वो गरम हो चुका है। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें, चुटकी भर बोल दीजिए या ये छोटे स्पून से जीरा बोल दीजिए, ये डाल दिया। और जीरा हमारे होते ही जीरे के साथ हम ये कार्डमम भी डाल देंगे, ठीक है। और कार्डमम के साथ हम ले लेंगे देसी करछी, नॉट अ लैडल, और इसको हल्का सा स्टिर करेंगे हम। जब तक हमारा जीरा हल्का ब्राउन नहीं हो जाए तब तक मतलब जीरे को करना है। मैंने एक मार्केट से ये भी लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, आप चाहे तो घर पे भी पीस सकते हैं। मैंने खरीदा है क्योंकि मैं थोड़ा काम चोर टाइप का इसमें काम करता हूँ। तो हमारा जैसे ये हो गया है, तो इसमें एड ऑन है जिसमें हमारा रॉ गार्लिक है, अनियन है और ग्रीन चिली है, हरी मिर्च, प्याज और लहसुन इसमें कटा है, ये डालेंगे हम। और इसको स्टिर करना है जब तक हमारा ओनियन ब्राउन नहीं हो जाता, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन नहीं, कहीं डार्क ब्राउन कर दो कि हाँ शेफ ने बोला था कि डार्क ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं, लाइट ब्राउन करना है इसको। प्याज को डाले मिनिमम 2 मिनट हो जाए आप उसके बाद इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें, ताकि ये प्याज के साथ अच्छे से टॉस हो सके और इसकी एक अच्छी स्मेल भी आ सके। तो मैंने शेशे ले रखा है, आप चाहे तो शेशे भी ले सकते हैं और खुद भी पीस सकते हैं फ्रेश। अगर आप फुर्सत में बना रहे हैं, अच्छे से बना रहे हैं, पूरा टाइम लेके बना रहे हैं, तो आप फ्रेश उसको ग्राइंड करें, उसको पीसे अच्छे से और तब जाके फ्रेश ले। मैंने तो यूज वाला लिया है, मतलब जो दुकान में है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद एक बढ़िया
खुशबू आ जाती है खाने में। अब जब तक हमारा प्याज ब्राउन होता है तब तक हम थोड़े से गाने सुन लेते हैं बाहर जाके, ठीक है, बाहर का व्यू भी दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। चलिए देखिए, जैसे कि मैं कह रहा था लाइट ब्राउन होना चाहिए, बिल्कुल लाइट ब्राउन हो चुका है ना। लाइट ब्राउन के बाद आप जैसे ही लाइट ब्राउन हो, आप इसमें सबसे पहले टमाटो प्यूरी डालें, जो आपने टमाटो प्यूरी कर रखी है। पानी ऐड नहीं करना, अभी प्योर प्यूरी में करना है। देखिए क्या बढ़िया कलर आने वाला है आपको, आपने ऐसी ना खाई होगी कभी। एग्जैक्टली, देखते जाइए आप। और फिर एक मैंने एक मसाला बना रखा है जिसमें मैंने नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और एक सिर्फ एक चीज मिला रखी है इसमें, जो बाहर बेसिकली मिल जाता है 5 रुपए में, मटर पनीर मसाला, वो डाल रखा है इसमें बस। आप ऐसा बना के इसको बाद में एड ऑन कर दीजिए, जब थोड़ी सी आपकी ये ग्रेवी सी जो पक जाए तो हल्का हल्का तेल छोड़ दे। जब टमाटो प्यूरी जो है वो पक चुकी है, आप इसमें मटर ऐड कर दे, एक बॉल ग्रीन मटर। देखिए मटर डालने के बाद आप ये जो मसाला मैंने आपको बताया, मसाला भी डाल दें आप। क्या बढ़िया मसाला बन गया इसका। अब वेट है वो जो पनीर है, इन पनीरों को डालने का। देखिए क्या सफेद पनीर है, बिल्कुल प्योर। हमारे यहाँ मिलता है फेमस कड़वाल पनीर। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। पनीर बढ़िया होना चाहिए, दानेदार पनीर। तो अब वक्त है इन पनीरों की बलि का। पनीर डाल दिया हमने, और पनीर डालने के बाद बढ़िया से आराम से इसको बिल्कुल ऐसे हिलाना है ताकि पनीर का कचरा ना बने, आराम आराम से। वैसे अगर आप ड्राई खाने वाले हैं तो ड्राई भी खा सकते हैं, और इसमें हल्का रसा भी करना चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं अपने मुताबिक। मेरे घर में खाने वाले बहुत हैं तो मैं तो पानी जरूर डालूंगा इसमें। आप अपनी फैमिली के हिसाब से आराम आराम से चलानी है ये करछी इसमें, क्योंकि अगर पनीर टूट गया तो कचरा हो जाएगा। अब हम डालेंगे इसमें एक गिलास पानी अच्छे से पूरे में, और फिर एक बार इसको फिर मिलाएंगे। साइड से सारा मसाला निकाल लेंगे। अब इसको छोड़ देंगे हम हल्का सा इसमें, एक इसके हिसाब का इसके साइज का ढक्कन ढूंढेंगे। तो घर है तो देसी स्टाइल से बन रहा है, तो देसी स्टाइल से ढक्कन इसमें, देखिए थाली का ढक्कन। और अब इसका इंतजार करेंगे हम, इतनी आंच पे इसको नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा लो करना है आंच। लो आंच पे, देखिए इस तरीके का होगा पनीर का, तो लास्ट तक ही होगा पनीर का।
पनीर होम स्टाइल, बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। देखिए पनीर की पीसेस अलग, ग्रेवी अलग दिख रही है, थिक एंड टेस्टी।